डायबिटीज है, मेडिसिन लेने के साथ स्टमक की बीमारी भी आप लगा लेते हैं, आप लोग किडनी की भी लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी टेंशन मजीद लेते हैं और उसको ब्लड प्रेशर तक भी ले जाते हैं। तो शुगर के मरीज अक्सर शुगर हाई होने की वजह से नहीं मरते, या तो किडनी फेलियर की वजह से मर जाते हैं या टेंशन लेके हार्ट अटैक से मर जाते हैं। एक इशू है तो उस एक इशू को रिजोल्व करें बजाय इसके कि पांच छह और बढ़ा लें। सिंपल सी बात है, इंसुलिन नुकसान नहीं देती। अक्सर लोगों को लगता है इंसुलिन एक खतरनाक चीज है, बट एटलीस्ट इंसुलिन का इतना नुकसान नहीं है जितना मेडिसिन का नुकसान। इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन उसकी ब्रेक डाउन जरूर करवा रही है, बट एटलीस्ट आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद अहमद है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है डायबिटीज। आपने डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी कि होती है, क्या वजह है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ। तो इस पे गो थ्रू करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज हो क्यों रही है, रीजन क्या है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता, वो प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं बट वो कवर ही नहीं उसको करते। आप एटलीस्ट एवरी सिक्स मंथ बाद एक डायबिटिक टेस्ट जरूर करवा लें, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि कहीं आप प्री डायबिटिक स्टेज पे तो नहीं जा रहे। और सेकेंडली ये, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले ही डायबिटीज है तो फिर तो आपको चाहिए कि आप साल में या महीने में तो नहीं चले, सिक्स मंथ बाद एक टेस्ट लाजमी करवा लें, ताकि वो आपको आइडिया रहे कि जी डायबिटीज है या नहीं है। और सेकेंडली ये बात है डायबिटीज इंसुलिन के ऊपर, बीटा सेल्स है इंसुलिन बना रहे हैं। इंसुलिन का क्या काम है, अक्सर लोगों को लगता है इंसुलिन एक खतरनाक चीज है। अक्सर किसी डायबिटिक पेशेंट को ये कह दिया जाए ना, उनसे पूछती मैं अक्सर यूजली पूछ लेती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप क्या ले रहे हैं, तो मुझे पेशेंट आके कहते हैं कि जी हम ना मेडिसिन ले रहे हैं। तो अगर मैंने कहूँ ना कि आप इंसुलिन पे आ जाएं, तो वो ऐसे समझते हैं जैसे मैंने पता नहीं उनको क्या कह दिया। तो इंसुलिन कोई बुरी चीज नहीं है, हमारी अपनी बॉडी में भी इंसुलिन बनती है, एक हार्मोन है, सिंपल सी चीज है। सच कोई इसमें कोई ना तो उसका साइड इफेक्ट है, कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है भी तो वेट गेन ज्यादा हो जाता है, बट उसको कवर किया जा सकता है। तो हम लोग इंसुलिन वाली साइड पर ही नहीं आते। सो डायबिटीज के केस के अंदर अगर तो आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है मेडिसिन से, देन ओके। बट अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बजाय इसके 5-6 गोलियां या फिर 500 या 550 mg की गोली लेने से बेहतर है कि आप इंसुलिन पर आ जाओ। फिर लोग कहते हैं कि जी ये तो इंजेक्शन है, हम क्या रोज इंजेक्शन लगाएंगे। अगर अब आप लोगों ने नोट किया होगा तो इंसुलिन के पेन आ गए हुए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेन भी शो करवा देती हूँ। सिंपल पेन है, सिंपल सिरिंज है, नॉर्मल सिरिंज जो होती है वो इंसुलिन सिरिंज आपने शायद देखी भी हो, शायद आपको आइडिया हो कि वो थोड़ी मोटी है, बट जो इंसुलिन पेन की सिरिंज है वो बहुत बड़ी। हम लोग अक्सर, शायद आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया तो वो पिन प्रिक करने के लिए हम लोग एक सिरिंज या सुई टाइप यूज करते हैं, जो इस तरह सिंपल करते हैं और वो प्रिक हो जाए, आपको पिक्चर में भी शो हो रही होगी। तो इसी तरह की सिरिंज हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन की वेरिएशन आपको डॉक्टर बता देंगे कौन सी लेनी है कौन सी लेनी नहीं, बट एटलीस्ट इंसुलिन का इतना नुकसान नहीं है जितना मेडिसिन का नुकसान। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो एक इंजेक्शन के डर से, सिर्फ इस फोबिया से बचने के लिए, क्योंकि उससे पेन नहीं होती है, कोई खास पेन नहीं होती, बट सिर्फ और सिर्फ हम उस फोबिया से बचने के लिए करते क्या है, मेडिसिन लेते जाते हैं। एंड वो क्या करती है, मेडिसिन ने क्या करना है, मेडिसिन ने बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर जाके आपकी शुगर को ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद किडनी के जरिए से उसको आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट करवा दे। इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन उसकी ब्रेक डाउन जरूर करवा रही है, बट एटलीस्ट आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो शुगर के मरीज अक्सर शुगर हाई होने की वजह से नहीं मरते, या तो किडनी फेलियर की वजह से मर जाते हैं या टेंशन लेके हार्ट अटैक से मर जाते हैं, रीजन यही होती है। मैंने पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट जो मेरे नो हाउ है जिनसे मेरी, उनको मैंने यही देखा है कि एट द एंड या तो उनको स्टमक का इशू हो रहा है या उनको किडनी का इशू हो रहा है। रीजन फिर वही होती है कि हम लोग इंसुलिन को ऐसे समझते हैं जैसे कि जहर, जबकि वही आप लोगों के लिए फायदेमंद होती है। मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई है तो आप इंसुलिन लेना शुरू कर दें, बिकॉज लो शुगर भी एक इशू है, आपने अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख, ना उसको कम करना है ना ही उसको ज्यादा करना। तो इंसुलिन को अगर आप लें लास्ट स्टेजेस में नहीं, तो जब आपकी इंसुलिन थोड़ी सी आपको शुगर लेवल ज्यादा लग रहा है तो फिर आप उसको लेना स्टार्ट करें। अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जिनका मैंने खुद ब्लड टेस्ट करवाए हैं, उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाके उनके मैंने A1C करवाए हैं, वो ज्यादा भी आए हैं, स्पेशली उनको मेडिसिन भी लेके दी, बट एट द एंड उन्होंने इंसुलिन नहीं ली। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने आधा आधा घंटा काउंसलिंग करवा के भी ये काम स्टार्ट करवाया। मेरे अपने एक अंकल थे जिनको इंसुलिन का इशू था कि जी वो इंसुलिन नहीं लेते थे, शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई था, उनको स्टमक का इशू आने लग गया था, अभी भी उनके पाउंड सुन रहने की रीजन कोई और है कि वो इंसुलिन को अब कवर नहीं कर पाते, जितनी लेनी है उतनी नहीं लेते। सो अगर आप इंसुलिन को कवर ठीक से कर लेंगे तो इशू नहीं आएगा। उनको मैंने समझाया, एट द एंड वो इंसुलिन पे आया, बट एटलीस्ट उनको स्टमक का कोई इशू नहीं।
तो बजाय अगर आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि आपने डायबिटीज को ठीक करना, ये नहीं कि डायबिटीज को ठीक करने के बजाय 7-2 दिन बीमारियां और लगा। डायबिटीज है, मेडिसिन लेने के साथ स्टमक की बीमारी भी आप लगा लेते हैं, आप लोग किडनी की भी लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी टेंशन मजीद लेते हैं और उसको ब्लड प्रेशर तक भी ले जाते हैं। तो अगर एक इशू है तो उस एक इशू को रिजोल्व करें बजाय इसके कि 5-6 और बढ़ा लें। सिंपल सी बात है, इंसुलिन नुकसान नहीं देती, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं और लें। अच्छा, एक और इशू इसमें आता है, अक्सर लोग इतनी बात पे मान जाते हैं और वो जाते हैं किसी भी स्पेशलिस्ट के पास। मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं आपको इंसुलिन रिकमेंड नहीं कर सकती, बट जब आप किसी शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, किसी डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी हमने इंसुलिन ले ली है, कुछ तो जो होते हैं वो कहते हैं जी ठीक है जी आप ले लें, वो देखते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि अपना प्रॉफिट देखते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि डॉक्टर्स को इंसुलिन में उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना मेडिसिन में होता। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, वो मेडिसिन आपके पास से मिलेगी, आप उसी डॉक्टर से लेंगे और सालों साल खाई जाए, आपकी स्टमक किडनी खराब हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन अगर कोई अंदर का बंदा उनसे पूछे तो उन्होंने यही बताया, लाखों का प्रॉफिट उन्होंने लगाया हुआ है, इतना वो इससे नहीं कमा रहे क्लिनिक से जितना वो सिर्फ और सिर्फ वो मेडिसिन बेच के कमा लेते। तो आपने उनके प्रॉफिट को नहीं देखना, ना तो आपने ये देखना कि वो दवाई सस्ती दे रहे हैं, आपने अपनी बॉडी को देखना। बिकॉज जब किडनी पेन आपको होगी या किडनी फेलियर होगा, दर्द आप बर्दाश्त करेंगे, ना तो वो डॉक्टर आएगा, ना ही वो कंपाउंडर आएगा, और ना ही वो सारे रिश्तेदार आएंगे आपके आपके पास जो कह रहे थे कि इंसुलिन खतरनाक। तो एट द एंड देखना आपने खुद, मैं क्लियर कट बता रही हूँ आपको कि इंसुलिन अपनी कंडीशन के मुताबिक लेनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैसे 100 रह रही है, 150 हुई, आप इंसुलिन पे चले गए, नहीं। किसी डॉक्टर से कंसर्न करें, उनसे कहें कि हम इंसुलिन नहीं सकते हैं। अक्सर डॉक्टर इसलिए नहीं देते कि पेशेंट मना कर देते कि जी हमने नहीं लेना। गलती कुछ डॉक्टर्स की भी नहीं होती, वो बात यही है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, जो बेचारे सही डॉक्टर्स होते हैं वो भी रह जाते हैं, जो खराब है उनका कारोबार तो चल ही रहा है क्योंकि उन्होंने तो कमाना इसी मेडिसिन से है, उन्होंने लाखों लगाए हुए हैं, इम्पोर्ट मेडिसिन करवा के रखी हुई है, इंसुलिन इसलिए नहीं मंगवाते, प्रॉफिट नहीं है। नुकसान डॉक्टर का तो नहीं हो रहा, वो हलाल कमाए हराम कमाए एट द एंड उनके साथ जो मर्जी, आपकी लाइफ तो खराब हो गई ना, उस डॉक्टर को छोड़ दे। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा उसने ऐसा किया, मकाफात के लिए ना 10-12 साल बैठ जाते, उसका मकाफात हो ना उससे पहले आप तो मर जाएंगे और बाद में क्यामत के दिन तो सबने एट द एंड देख ही लेना। तो बेहतर ये है कि अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं कि मैं इंसुलिन ले सकता हूँ, अगर तो वो कहते हैं इंसुलिन ले सकते हैं तो इंसुलिन पर आए, अगर वो कहते हैं कि मेडिसिन ही ओके है तो मेडिसिन भी ठीक। अब एक और मसला आता है, लोगों ने इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दी, अब उन्हें पता है इंसुलिन है, सारी जिंदगी इंसुलिन लेनी है, जो मर्जी खाओ 2 यूनिट हम खुद ही बढ़ा लेंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे, खाना खाने ना नान मना किया है डॉक्टर ने, इंसुलिन लगती है ना 2 यूनिट बढ़ा के ना 1 नान खा लेंगे, क्या जी इंसुलिन तो लगनी है, लगाना इंजेक्शन ही है, तो चलो 2 यूनिट और से। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखेंगे तो इंसुलिन के यूनिट भी कम हो सकते हैं। हम लोगों ने सोच लिया शुगर हो गई सारी जिंदगी यही रहनी है तो अब हम डाइट को कंट्रोल करेंगे, जिस तरह रोटी है, अगर आपको आइडिया हो तो रोटी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट आपको शो हो रही होगी वो आप चेक कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं और बाकी फ्रूट छोड़ दिया हमने, जो नेचुरल शुगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है वो हम थोड़ी बहुत तो ले सकते हैं, मगर हम वो नहीं ले रहे। हम लोग जो आर्टिफिशियल शुगर है ना वो लेना स्टार्ट करते थे, जो चीजें हम लोगों ने खुद आर्टिफिशियल बनाई हम वो ले लेंगे, मगर जो नेचुरल चीजें ना हम वो छोड़ दें। आप फ्रूट खा सकते हैं बट थोड़ा खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कौन से फ्रूट्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं। लोग आम खाना छोड़ दें, आप आम खाएं, थोड़े आम खाएं, ये नहीं कि आप पूरा ना खाएं, आप हाफ खा लें, बट ये भी डिपेंड करते हैं आपकी शुगर कंडीशन के। अब ये नहीं आपकी 500-600 शुगर है, मैंने कहा था आपने पूरा काम खाया और अगले दिन आप मेरे पास केस लेके आओ, ये नहीं कर। पहले शुगर कंडीशन चेक करें, डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं और नेचुरल शुगर लें। सिंथेटिक से बेहतर है कि आप नेचुरल शुगर खा लें। हम लोग ये नहीं करते, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं केक खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, मगर हम आम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे माइंड में ये वाली बात बैठ चुकी है कि आम से शुगर होनी ही होनी है या ये हमारी शुगर को बढ़ाएगा। तो नेचुरल शुगर लें और अगर आपको इंसुलिन है भी तो उसको फिर आप इंसुलिन के लेवल को ऐसे जरा कम करने की कोशिश करें। इस तरह का कोई भी इशू आता है तो जो रिसेंट आपके पास कोई भी जिसको भी आप अपना केस सिनेरियो बता रहे हैं या कोई भी डायबिटिक स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं, किसी लोकल क्वैक के पास ना जाए।